परमाणु सिद्धांत भाव का अर्थ होता है कि जो हम प्रतिष्ठित आत्मा से चार्ज करते हैं वह भाव कहलाता है। भाव चेतना की शक्ति है, तो भाव परमाणु या मतलब चेतनामय परमाणु है, ये जड़मय परमाणु की बात नहीं है। भाव परमाणु का अर्थ होता है कि अगर हम ज्ञान लिए हुए होते हैं, हमको शद ज्ञानी शद पुरुष आत्मज्ञानी से ज्ञान मिल लिया होता है, तो वो ज्ञान अपना कार्य करता है, ज्ञान कृपा से मिलता है और ज्ञान ऑटो मोड से अपने आप आपको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कराता रहेगा, जब आपकी गलती होगी और आपको शुद्ध कराता रहेगा। तो जो भाव परमाणु है, यानी हमने शुभ भाव किए अशुभ भाव किए या अशुद्ध भाव किए, शुभ भाव के द्वारा जितना भी धार मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को शुभ भाव परमाणु कहते हैं, और जितना हिंसा का कार्य किया प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा तो वो उस भावों के द्वारा वो अशुभ भाव परमाणु कहलाते हैं। अगर आप जल्दी मुक्ति को जाना चाहते हो, ये सारी प्लानिंग केवल मनुष्य जन्म में ही होती है और किसी जन्म में नहीं होती है, तब आपको इतनी अच्छी चीज मिली है तो आपको जो है प्लानिंग भी बढ़िया करनी चाहिए। वो प्लानिंग क्या है कि भाव परमाणुओं का नियोजन कैसे किया जाए कि शुद्ध भाव रखे जाए, शुभ भाव रखे जाए, या अशुभ भाव में तो दुख ही दुख है, वो तो करना ही नहीं है। शुभ भावों के अंदर पुण्य का बंध होगा, उससे आपको मुक्ति जाने में लंबा समय लगेगा, शुद्ध भाव करोगे तो कम समय लगेगा।